Hey friends, welcome back to my YouTube channel. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन की फिजियोलॉजी होती है किस तरह से डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म की जाती है और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर किस टाइप की हमारी डाइजेशन होती है और डाइजेशन uh, बेसिकली होती क्या है तो आज की वीडियो में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी हम वक्त ज़ाये किए बिना ही आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बैकग्राउंड डाइजेशन का क्या होता है कि डाइजेशन बेसिकली होती क्या है हमारी हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाज़मा तो बेसिकली ये है क्या तो डाइजेशन एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ा जाता है अब ये जो लार्ज फूड जो हम इंटे कर रहे हैं इसको छोटे छोटे पीसेज में क्यों कन्वर्ट किया जाता है आखिर इसकी रीज़न क्या है तो इस डाउन की रीज़न होती है ताकि वो फूड जो हमने इंटेक किया है उसको स्मॉल उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सो so दैट उसको ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके ठीक है ब्लड के अंदर और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको एजिमिलेट किया जा सके यानी कि बॉडी से उसको एलिमिनेट किया जा सके तो ये रीज़न होती है कि लार्ज फूड को स्मॉल कंप्लेंट्स के अंदर डाउन की जाती है सो नाउ बच्चे हम देखेंगे अगर ऑन द बेसिस किस तरह से एक फूड की डाउन होती है तो इसको डिवाइड किया जाता है दो टाइप के डाइजेशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के डाइजेशन प्रेजेंट होती है पहली होती है मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल डाइजेशन तो आप देखेंगे हमारे पास के हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन कैसी होती है मैकेनिकल आपको नाम से ही मालूम हो रखा होगा कि मशीन मशीन की इन्वॉलमेंट होती है तो आप सोच रहे होंगे हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मशीन है जो कि डाइजेशन परफॉर्म करती है तो जी हाँ बिल्कुल हमारी बकल कैविटी एक मशीन ही तो है किस तरह से कि हमारी बकल कैविटी के अंदर यानी कि हमारे मुंह के अंदर हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीथ तीथ होते हैं हमारी टंग होती है तो उस की हेल्प से जो है और टीथ की हेल्प से जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है ये जो फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा होता है लार्ज पीसेस का उसको स्मॉल पीसेस में इसको हम बोलते हैं कि ये मैकेनिकल डाइजेशन है आप यहाँ पे बात ये नोट करनी है कि इस टाइप ऑफ डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ठीक हो गया तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि फिजिकल डाइजेशन हो रही है सेकेंड बात करते हैं केमिकल डाइजेशन के बारे में तो केमिकल डाइजेशन एक ऐसी टाइप ऑफ डाइजेशन है जिसके अंदर लार्ज पीसेज ऑफ फूड को स्मॉलर में कन्वर्ट तो किया जा रहा है लेकिन ये फिजिकल नहीं है क्योंकि ये केमिकल है तो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन के जो मेजर पार्ट्स हैं मेजर पार्ट जो है डाइजेशन का वो कहाँ पे होती है यानी कि ठीक है हमें पता है कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो रही है और थ्रू आउट जो हमारी इंटेस्टाइन जो होती है लेकिन जो मेजर पार्ट होता है डाइजेशन का वो होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम हम क्यों नहीं कह रहे हम सिंपली ये नहीं क्यों नहीं कह रहे कि हमारे डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होती है हमने यहाँ पे ऐसा क्यों मेंशन किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज़ बिकॉज कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि उसने जो इनडाइजेस्टिबल फूड जो था उसकी फर्मेंटेशन करनी है यानी कि जो गट के बैक्टीरिया हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ से वाटर जो है उसको रीअब्बॉर्व किया जाता है और इस तरह से जो है और जो डाइजेस्ट फूड नहीं होता उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है अब क्योंकि डाइजेशन जो है ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है और इसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मल्टी स्टेज प्रोसेस है डाइजेशन जो है इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं तो इसके बेसिकली फोर स्टेप्स होते हैं लेकिन मैं आपको फाइव स्टेप्स बताऊंगी फर्दर एक्सप्लेन करके तो सबसे पहले आता है इंजेसन इंजेक्शन क्या होती है बेसिकली हम फूड की जो इनटेक करते हैं अपने माउथ के अंदर ठीक है तो उसको बोलते हैं कि ये इंजेक्शन होती है ठीक हो गया फिर हम बात करते हैं कि इंजेक्शन क्योंकि फर्स्ट स्टेप है तो इंजेक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमारे माउथ के अंदर फूड की एंट्री हो रही है ठीक है तो इसको बोलेंगे इंजेक्शन सेकंड होती है डाइजेशन डाइजेशन स्टेप में क्या होता है यानी कि मेस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर एस्टिक बाइल एंड एंजाइम्स इन द स्टमक अब जो डाइजेशन होती है ये इंजेक्शन तो माउथ में हुई थी डाइजेशन होगी हमारे स्टमक के अंदर यानी कि हमारे पास जो हमारा वो जो फूड था उसको मेस्टिकेट किया जाएगा उसको तोड़ा जाएगा उसको मिक्स किया जाएगा वाटर के, के साथ एसिड के साथ बाइल्स के साथ एंजाइम्स के साथ और ये कहाँ पे हो रहा है ये हमारे स्टमक के अंदर हो रहा है मेरा बेटा ठीक है उसके अलावा ये आपकी एंटेस्टाइन के अंदर भी होता है कि आपका स्टमक और इंटस्टाइन जो है ये वो जगह होती हैं जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है थर्ड स्टेप की अगर बात करती हूँ तो वो होता है हमारे पास एब्जॉप्शन एबजॉर्पन के अंदर क्या होता है कि वो सारे मोलिक्यूल्स जिनकी ब्रेक डाउन की गई थी स्टमक के अंदर एंटेस्टाइन के अंदर और उनको सिम्पलर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा अब वो सिम्पर मोलिक्यूल्स कौन से हैं वो हैं न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ठीक है जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम से अब हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर और लम्फैटिक कैप्लरीज के अंदर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर किया जाता है सिर्फ ऑस्मोसिस ऑसमोसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू भी जो है एब्जॉर््शन की जाती है यानी कि इस प्रोसेस के अंदर इस स्टेप के अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो फूड के थ्रू एंटर होते हैं बॉडी को उनको ब्लड में मिक्स किया जाता है ऑब्जॉप्शन के बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप जो होता है एजेशन एजेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक थ्रू डिफेक्डिफिकेशन यानी कि एक ऐसा स्टेप जिसके अंदर वो सारा मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड था ठीक है जो कि वेस्ट हमारे पास जिसको हम सिंपली वेस्ट कहते हैं उसको हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है वो बॉडी से आउट एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाता है देन हम बात करते हैं कि जी आई टी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली हमारे फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन के लिए ठीक है और फिर जो है फूड की बॉडी के अंदर एब्जॉर्बशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ हमारी जी आई टी जी आई टी मीन हमारी पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जिसको हम गट भी सिंपली कहते हैं अब जो जी आई टी ट्रैक होती है आप कहेंगे कि जी आई टी ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होती है तो जी हाँ जी आई टी ट्रैक जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है ठीक है हमारा सबसे पहला जो जी आई टी का पार्ट होता है वो माउथ होता है देन उसके बाद एसोफेगस देन स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें उसके ड्यूडियम जीजियम और इलियम आ जाता है और फिर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस के ऊपर जाके हमारी जी आई टी जो है वो टर्मिनेट करती है यानी कि एंड करती है अब आप कहेंगे कि आपको मैं दिखाती हूँ पूरी हमारी गट की डायग्राम तो देखें जी ये है एलिमेंट्री किनल एलिमेंट्री केनाल भी सिंपली आप कहते हैं आप सिंपली इसको जो है वो जी आई टी ट्रैक भी बोलते हैं या फिर इसको सिंपली आप गट भी कहते हैं जिसका सबसे पहला पार्ट जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके माउथ से स्टार्ट होता है माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर जी आई टी देन एसोफेगस देन स्टमक फिर उसके बाद आपकी एंटेस्टाइन आ जाती है एंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनास्टिक है यहाँ पर आपकी ये पूरी जो है ये आपकी एक जो है वो जी आई टी है जिसको आप सिंपली गट कहते हैं या फिर एलिमेंट्री केनाल कहते हैं यानी कि आपकी पूरी जो डाइजेशन होती है बॉडी के वो इसी पूरी केनाल के, के थ्रू होती है ठीक है यानी कि यहाँ से आपको जो है वो फूड बॉडी में एंटर करेगा यहाँ से इस तरह से स्टमक से होता हुआ यहाँ से डाइजेशन होगी फिर एंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल एंटेस्टाइन है सारी और ये बाहर वाली बाउंड्री सारी लार्ज एंटेस्टाइन है ठीक है उसके बाद यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो ब्लड में चली जाती है और जो वेस्ट होता है वो रेक्टम से एनएस के थ्रू जो है बॉडी से आउट एलिमिनेट कर दिया जाता है तो चलें जी अब हम बात करते हैं ये जो जी मैंने आपको दिखाई है इसकी कितनी लेयर्स होती हैं क्या होती भी है या नहीं होती तो जी हाँ बिल्कुल जी आई के लेयर्स होती हैं और वो फोर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सिंपल जो है वो ट्यूनिक्स कहते हैं हर जो लेयर होती है उसके डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उसका डिफरेंट फंक्शन होता है अगर हम नेमिंग करें कि चार लेयर्स की नेमिंग कैसे होती है तो आप सिंपली कहें कि वन टू थ्री फोर तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है जी टी की तो उसको बोलते हैं मिकोजा सेकेंड जो उसके बाहर वाली होती है ये जो है वो है सब मिक्योजा उसके बाद आती है मस्कुलारिस और ये जो मस्कुलॉरिस मिक्योजा और ये जो लास्ट में है इसको हम बोलेंगे सीरोजा बोलते हैं अगर हम सिंपली हम लेयर्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिक्योजा को देखेंगे तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है जी की इसका काम क्या होता है कि इसने एब्जॉर्ब्शन करनी है और सिक्रेशन करनी है म्यूकस की यानी कि म्यूकस को पहले एब्जॉर्ब करना है ठीक है ब्लड में जो जितना भी फूड में आ रहा है उसके बाद उसकी सिक्रेशन भी करती है इसके अगर हम देखें देखेंगे कि बनती किस चीज़ से है तो ये सिंपल कुलम्लर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है और इसके अंदर स्पेशलाइज गोब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट करते हैं और ये फोल्डेड होती है यानी कि जैसे कि विलाई बनाती होती है और फर्दर जो है वो माइक्रो विलाई फॉर्मेशन करती होती है कौन सीरोसा करती है आपने देखोगेगा इंटेस्टाइन के अंदर वो जो विलई और माइक्रो विलई प्रेजेंट होते हैं तो वो सिरोसा से ही बनते हैं सेकंड बात करते हैं सब मिक्योजा के बारे में ये हमारे पास जो है रिलेटिवली थिक होती है एज कम्पेयर टू सिरोजा ठीक है हाईली वैसकर होती है यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है और जो है ये मीकोजा को सर्व करती है एबजॉर्ब एलिमेंट्स दैट पास थ्रू द मीकोजा तो मिक्योजा से जो एब्जॉर्ब एलिमेंट्स हैं उसमें से पास करते हैं और हमने कहा था ब्लड बैसल जो है इसको यहाँ से पिकअप कर लेती हैं सब मिकोजा जो होती है इसके अंदर ग्लैंड्स भी और नर्व नर्व वो भी प्रेजेंट होती हैं देन बात करते हैं मस्कुलर मिकोजा के बारे में तो मस्कुलर मिकोजा जो होती है हमारी जो जीआईटी के अंदर जो कंट्रैक्शन हो रही होती है ठीक है आप देखते होंगे पेरिस्टेल्टिक जिसको कंट्रेक्शन बोलते हैं ऐसे जो जिसको आप कहते हैं कि फूड हमारी जो इंडस्टाइन है और हमारी जो जीआईटी है वहाँ से ऐसे मूव करता है ऐसे करके तो ये जो मूवमेंट थी वो कौन करवाता है तो मस्कुलारी मिकोजा करवाते हैं क्योंकि इसमें सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है और पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट के अंदर यानी कि फूड का ऊपर से जो नीचे आना होता है ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बोलते हैं तो ये होती है पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट तो ये कौन पर करवाता है तो ये मस्कुलर मिकोजा uh, करवाती होती है ठीक है आ, फिर हम देखते हैं यहाँ पर सिंपली के इसमें सर्कुलर और जो है और आउटर लॉन्गेट लेयर्स यानी कि स्मूथ मसल इसमें प्रेजेंट होते हैं जो ये कंट्रक्शन करवाते होते हैं और मूव को जो है वो डाउन मूव करवाते होते हैं और एंजाइम्स के इसमें इन्वॉलमेंट करवाते हैं ठीक है दिन तो बात करते हैं सिरोजा के बारे में तो ये आउटर लेयर होती है ठीक है इसमें प्रोटेक्टिव ये लेयर होती है ये वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और सिंपल जो है इसमें स्कैमस एपिथिलिस भी प्रेजेंट होते हैं और ये लिपटिकेटिंग सीरस फ्लूइड जो है वो सीक्रेट आउट करती है ठीक हो गया अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स इसके होते हैं बेसिकली तो मेजर इसके अंदर ऑर्गन होते हैं और एसेसरी ऑर्गन होते हैं आ, उसके बाद अगर हम नेमिंग करते हैं कि इसमें मेजर ऑर्गन कौन से होंगे जो डाइजेशन के अंदर जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं तो माउथ आ जाता है हमारा मेजर ऑर्गन देन एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इसके अलावा कुछ असेसरी ऑर्गन यानी कि जो हेल्पर जिसको आप सिंपली कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वो हेल्पर कौन से हैं तो लीवर गाल ब्लडर और पेनक्रियाज जो हैं ये वो असेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं हुमेन के डाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेजर ऑर्गन्स मैंने आपको बताया सबसे पहला माउथ है आपका ठीक है देन एसोफेगस देन स्टमक और फिर बात की यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की इसके अलावा मैंने कहा कि आपको कि असेसरी ऑर्गन्स में आ जाता है हमारा जो है पेनक्रियाज आ जाता है ठीक है लीवर आ जाता है और गैल ब्लडर ठीक है लीवर गाल ब्लडर एंड यूरपेन क्रियाज य के पास असेसरी ऑर्गेंस होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं हुमेन को डायजेशन के अंदर ठीक है दैट वॉज ऑल अबाउट डायजेशन बेसिकली होती क्या है और कितनी टाइप की होती है हुमन के अंदर उसमें कौन से मेजर और असेसरी इन्वॉल्व होते हैं तो आज की वीडियो में इतना सा डिस्कस कर लिया है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम नेक्स्ट uh, वीडियो जो पार्ट बनाएंगे uh, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सारे मेजर ऑर्गेन्स को uh, और इनके डायजेशन को तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच अल्हा